बच्चों, मैं नमिता विश्वास चार कक्षा का पांच पाठ कहानी का शीर्षक दोस्ती की पोशाक। तो दोस्ती की पोशाक कहानी का अभी मैं पाठन कर रहा हूँ। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मैं मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अर्थक निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बटर कर दोनों घूमने निकलेंगे। दोस्तों को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोस के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोस से कहा, ये मेरे दो खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचानक उन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ी पानी पड़ गई है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारे कैसी अकल है, क्या ये बताना जरूरी था? अचानक तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी सोच रहे होंगे कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं है। नसीरुद्दीन साहब और उनका दोस्त माफ़ी मांगने हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलने के लिए हुसैन साहब ने गजरे से उनका स्वागत कर किया और जमाल साहब के बारे में पूछा। सुनने का जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है, इन्होंने अचानक पहनी है, इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने की किससे क्या तुमसे क्या? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा ही कहा मैंने वैसा किया, पोशाक बात बिना काम नहीं चलता क्या? उससे बारे में कहने के अच्छा है, जमाल साहब ने समझ लिया। सब ने लेकर नसीरुद्दीन के आगे बढ़े, तभी अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से परिचय उनसे करवाया, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा रहा हूँ, यह है जमाल साहब। और उन्होंने अचानक पहनी उसके बारे में चुप ही रहूँ तो अच्छा है। क्या कहा, पांच पाठ कहानी का शीर्षक दोस्त की पोशाक मैंने पाठन कर लिया, अभी सारांश आप लोग बोलते। एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। पुराने दोस्त मिलकर बड़े खुश हुए, कुछ देर गपशप करने लगे और बोले, चलो दोस्तों से मिलाता हूँ। तो नसीरुद्दीन ने उनके लिए अपनी भड़बड़ अचानक लाए और उसने पहन लिया, तुम्हें कुछ खूब अच्छे लगेंगे, मेरी कपड़े पहन लो। दोनों घूमने निकले। दोस्तों लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी घर गए। नसीरुद्दीन ने कहा, ये मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत दिनों के बाद मुझे बोला, इन्होंने पहन रखी है जो मेरी मेरे कपड़े दी। इसे सुनकर जमाल साहब तो मानो पानी पड़ गए। बाहर निकलते ही मुँह बनाकर उन्होंने बोला, क्यों जरूरत है बोलने के, पड़ोसी को सोच रहे थे क्या होंगे, बस अपने कपड़े नहीं है। ये सभी नसीरुद्दीन साहब उस दोस्तों को बोलते हैं। तो ये कहा, गलती हो गई, ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन दूसरे साहब के साथ मिलने गए। हुसैन साहब को बोले, उनका स्वागत संस्कार किया, बोले वो मेरा दोस्त है और ये पुराने दोस्त है, इन्होंने अचानक पहने है, इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो, बोले क्या जो कि तुम बोले। नसीरुद्दीन देखा, तुमने ऐसे बोला, वैसे पोशाक के बारे में पूछा नहीं तो क्यों बोलते हो? जमाल साहब लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी बोले, जमाल साहब का परिचय उन्होंने कराया, उनके दोस्त का है नसीरुद्दीन साहब का पोशाक है। छवि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त करता हूँ, जमाल साहब, इन्होंने जो अचानक पहनी है उसके बारे में चुप ही रहूँ तो अच्छा है। कहानी मैंने सारांश पढ़कर आपको समझा दी हूँ, अभी प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। तुम्हारी जवाब कहानी के बारे में कोई पांच प्रश्न बनाकर नीचे लिखो और काफी उनके बारे में लिखो। नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? पुराने दोस्त जमाल साहब से। जमाल साहब की इनके साथ उनके हल में बड़ा कर दे कि यार मामूली पोशाक रखी थी। यह सुनकर जमाल साहब पानी उड़ गए, क्यों? नसीरुद्दीन साहब ने अचानक उनके कपड़े पहन तो बोले। तो नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? अपने दोस्तों से। क्या नसीरुद्दीन जानकर बोले, भाई बुद्धि आदमी है उससे ना समझ लेना चाहिए तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन साहब जमाल साहब से घूमने निकले। तुम बैठकर कहाँ कहाँ घूमने आते हो? विवाह में, सप्तम में, जन्म विवाह के समारोह में, जन्मदिन के समारोह में ऐसे घूमते रहते दोस्तों के साथ। तुम किस तरह से बनते हो नए कपड़े?
जूते पहन कर हम जिधर जाते हैं निकल कर बकन में निकल कर हमारे साथ हम किया कहाँ होगा मुझे तुम्हारा साथ नहीं नहीं जाना वापस ले चलो मुझे। हम अपनी मामूली से कपड़े पहनने नहीं जाना तो साथ है मामूली कपड़े पहनने के लिए साधारण नहीं है से अपनी अचानक में हम ऐसा क्यों बताते बस हंसने के लिए गपशप। जब जमाल साहब नसरुद्दीन से निकले तो उन्होंने बेगम नसरुद्दीन साहब से मुलाकात किससे सुनाया उन्होंने दोनों क्या चीज़ों की लिख कर बताया। बेगम कौन था तो हुसैन साहब नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ आए थे। बेगम दोस्त का नाम रहा था जमान। घूमना करना नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्तों मोल के जाए। जब नसरुद्दीन ने दोस्तों को मिले तो उसे अपना मोल दिखाने लिया। जब तुम अपने दोस्तों को मिला था तो क्या रहते हो सारी चीज़ें खरीदता हूँ आइसक्रीम खाते हूँ और घूमता हूँ कपड़ा खरीदता हूँ खिलौना खरीदता हूँ करके निकला हूँ। नीचे कुछ बाकी लोग को तुम इनका अभिनय करना तुम चाहो तो अपने ही इन कामों का बिक्री क्या है। बनठन कर घूमने के लिए निकलना घरों पानी भरना मुँह बना कर निकलना सबको से स्वागत करना नाराज होना देखते ही रहना मस्त आप है स्वयं कीजिए। अच्छे दिन के बाद सुनकर जमाल साहब को अरे क्या घड़ी पानी भरना कम हुआ और इसका क्या मतलब होता है पता लगा तुम इसका साथी को बोल कर देख कर सकते हो। इस में सुनकर चित्र बनाते हो मोबाइल में चित्र बना कुछ मोबाइल में तुम चाहो कोई पसंद करो सिर बुझाना पढ़ना वोट के मोबाइल करना दिया अंधेरा का चांद स्वयं करो बच्चों कौन है कैसे नचंदे के भड़की में अचानक निकल आए कितनी शब्द लगाना कैसी कहानी ऐसी है सब छोटो किसी को बता तो चोट कर देखो कौन सबसे ज़्यादा ढूंढ पता है तो अन्य पड़ोसी अपने को साहब अपने अचानक इतनी सी बात खास दोस्तों तुम्हारा दोस्तों अन्य पड़ोसी अपने कपड़े मामूली पोशाक अपनी अचानक इतनी बात खास दोस्त तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे अकल बड़कली पुराने जैसे शब्द किसी का बात होता है इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। घर में जाकर नसीदे पड़ोसी मिले तुम अपने पड़ोसी बच्चों को जानते हो बच्चों दोस्तों को जानकर उसे सख्त घर में बुला लोगो उनके नाम क्या उनकी क्या क्या काम करते हैं स्वयं करो शब्द हो कर इन शब्दों को बुला कर देखकर मिलते जुते उससे शर्त बदलते नीचे तरह के शर्त घबलते मिट्टी की घड़ा खरीदा तो बच्चा गड़ा तो गड़े लिखो कि कुमार ने मिट्टी बर्तन गड़े। फन तो फन क्या मेरा दोस्त कार्टून बनाने का फन मायरी है तब फिर फन दूसरा फन क्या आपका फन देखो घूम मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ तर झूम तर क्या है विशाल के जन्मदिन समारोह में सब भी मस्ती में झूम रहे थे सजा 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 क्या है मेरे जन्मदिन अक्सर पुराने घर सजा था दूसरी सजा गलत करने वाले को सजा मिलती है राज मेरे राज क्या है भारत में अंग्रेज का राज था और दूसरा राज एक राजवाद बताऊँ खोल वो खिड़की खोल कर चिढ़ा दिया तर खोल आग पर पानी खोल रहा है क्या कहा पांच कहानी का शीर्षक दोस्त की पोशाक एक दोस्त के बारे में लिखा है नसरुद्दीन ने और उनकी दोस्त जमाल साहब के बारे में मैंने कहानी पढ़ ली और सारांश समझा दी और इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास भी कर दो बच्चों इसलिए बोलते हैं दोस्तों के बारे में कभी ऐसे मजाक मत कीजिए तो ऐसे ही आप मज़ेदार कहानी है नसरुद्दीन जमाल साहब की तो वीडियो देखने के लिए बच्चों आप लोगों को धन्यवाद मैं दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ।